सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्रांड न्यू फ्रेशिंग वीडियो। और भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे समुराई बंडल के रिटर्न कन्फर्म डेट के बारे में, मतलब कि हमारा जो समुराई बंडल हम सभी को कब तक देखने को मिलने वाला है। और भाई लोग, आप सभी को पता होगा समुराई बंडल का हमारे इंडियन सर में कितना ज्यादा क्रेज है। भाई जिसको भी देखो, हर बंदा इस बंडल के पीछे पागल है। मैं पागल हूं। और आज के इस वीडियो में आप सभी को एकदम ओपी ओपी अपडेट्स बताने वाला हूँ। सभी अपडेट्स को जाने के लिए आप सभी को बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो वीडियो में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो वेपन रॉयल वो कन्फर्म हो चुका, और हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल होने वाला है मैक 10 का, जिसका जो एट्रीब्यूट्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप सभी को डैमेज सिंगल प्लस, एक्यूरेसी डबल प्लस और मैगजीन सिंगल माइनस देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी को इससे पहले भी मैक 10 का वेपन रॉयल देखने को मिल चुका है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मैक 10 का वेपन रॉयल नहीं निकाला तो भाई ये वाला निकाल लेना, ये भी अच्छा खासा स्किन है। सो भाई लोग, बढ़ते हमारे सेकंड अपडेट की तरफ। और हमारा सेकंड जो अपडेट है, हमारा जो न्यू लेजेंडरी बंडल आने वाला है रैम्पेज की थीम पे, उसका जो इंटरफेस वो निकल के आ चुका है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। और इंटरफेस में आप लोग देख सकते हो साइन इन रिवॉर्ड्स है, लॉगिन रिवॉर्ड्स है, और इस रिवॉर्ड्स में आपसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका रिवॉर्ड्स अभी निकल के नहीं आया। बाकी ये जो इंटरफेस है, मतलब गेम का जो इंटरफेस है, ये हमारे गेम में 6 जून को स्टार्ट होने वाला, और 6 जून को स्टार्ट हुआ तो भाई इसमें आपसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स तो देखने को जरूर मिलेंगे। और कौन कौन से रिवॉर्ड्स है जैसे मुझे पता चलता है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आज बढ़ते हमारे थर्ड अपडेट की तरफ, और थर्ड जो अपडेट है फ्री फायर का जो न्यू लेजेंडरी बंडल आने वाला, उसका जो भाई फिस्ट स्किन है वो निकल के आ चुका है, जो कि आप लोग भाई बैकग्राउंड में मतलब कि स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये जो फिस्ट स्किन है भाई काफी जहर फिस्ट का स्किन है। इस फिस्ट स्किन का खास बात ये है कि भाई ये कलर चेंज करता है। पहले आप लोग इसका कलर जो है रेड कलर का देख सकते हो, उसके बाद ये जो कलर है भाई ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और भाई लोग, ये जो फिस्ट स्किन है काफी मतलब कि यूनिक फिस्ट स्किन है, और फ्री फायर का ये पहला फिस्ट स्किन होगा जिसका जो कलर है वो चेंज होता है। और ये जो फिस्ट स्किन है, या तो आप सबको ये फेडरल में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो हमारा जो न्यू लेजेंडरी बंडल आने वाला उसके साथ आप सबको टोकन टावर में दे दिया जाएगा। सुमर भाई, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ अपडेट की तरफ। और हमारा जो फोर्थ जो अपडेट, हमारा जो न्यू इनक्यूबेटर आने वाला ऑगो स्किन का, इसका जो लुक्स है वो निकल के आ चुका है। सो गाइस, इस इनक्यूबेटर का लुक देख सकते हो, पहला जो गन स्किन है वो है ग्रीन कलर का, इसके बाद आप सबको एक पर्पल कलर का स्किन देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद आप सबको एक येलो कलर का स्किन देखने को मिल जाएगा, जिसका जो लुक है भाई काफी ज्यादा ओपी लग रहा है और भाई काफी मस्त लग रहा है। इसके बाद आप सबको इसका जो टॉप का स्किन है, जो कि भाई है रेड कलर का, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई काफी जहर स्किन लग रहा है। ये हमारा टॉप का इनक्यूबेटर रहने वाला, जो कि सबसे ऊपर, और ये चारों गन स्किन आप सभी को नेक्स्ट इनक्यूबेटर में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अभी हमारे गेम में जो इनक्यूबेटर चल रहा है, इसके बाद आप सभी को एक बंडल का इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमारा जो इसका ये जो इनक्यूबेटर ये देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो एट्रीब्यूट्स वो अभी निकल के नहीं आया, जैसे निकल के आता मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी मैंने इसका जो लुक्स मैं आप सबको दिखा दिया। जब हम बढ़ते हमारे अगले अपडेट की तरफ, और हमारा जो अगला जो अपडेट है बी आर रैंक सीजन 28 का जो रिवॉर्ड्स है वो निकल के आ चुका है। और वैसे मैंने आप सबको बता ही दिया कि हमारा बी आर रैंक सीजन 28 में आप सबको एक P90 का स्किन देखने को मिल जाएगा, जो कि रहने वाला एंटोनियो की थीम पे, जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ आप सबको एक फीमेल का मतलब कि टी शर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग भाई बैकग्राउंड पे देख सकते हो ठीक ठाक लग रहा है। और ये दोनों आइटम आप सबको बीआर रैंक सीजन 28 में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आप सबको पता हुआ कि भाई परांग का स्किन जो है भाई कितना अच्छा लगता रहता है, लेकिन गरेना वालों को अगर कोई आइडिया नहीं मिलता कि भाई नेक्स्ट परांग का स्किन किस टाइप का दे, तो भाई गरेना वाले कुछ इस टाइप का परांग का स्किन दे देते हैं। और भाई लोग, इस स्किन को देख के मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि भाई किसी भी जानवर का लेग पीस को भाई परांग का स्किन बना दिया जाता है। और भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, बट मैं गरेना के जो मोटर जो कि गेम के आइटम्स को डिजाइन करते, उसको मैं भाई एक ही चीज बोलना चाहूंगा, छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन एक सेकंड, चिकन लेग पीस, ओ माय गॉड, चिकन लेग पीस, मसाला राइस। तो गाइस, जब बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है समुराई बंडल का कन्फर्म डेट। और आप सभी को पता होगा जब समुराई बंडल हर सर्वर में दिया जा रहा था, तो भाई इंडियन सर्वर में अलग ही सीन हो गया था, और बैन के इशू के कारण भाई गरेना वालों ने इसको गेम में ना देना ही बेहतर समझा। और जितने भी सारे इवेंट्स और आइटम्स हम सभी को इंडियन सर्वर में देखने को मिलने वाले थे, उसमें से भाई बहुत ही कम हम सभी को इवेंट्स देखने को मिले, और कुछ आइटम्स को भाई गरेना वालों ने इसको पेंडिंग में डाल दिया। मैं आप सभी को बता दूं, OV34 अपडेट्स पहले गरेना वालों ने कौन सा आइटम्स को रिटर्न किया, जो कि भाई ईओ एक्समेट, जो कि एक पेंडिंग आइटम्स था, और इसलिए दिया क्योंकि भाई हमारा पैच अपडेट आने वाला है। इससे पहले भाई गरेना वाले उतने पैड आइटम्स गेम में नहीं दे रहे थे, और कुछ समय से पहले गरेना वालों ने पैड आइटम्स को देना गेम में शुरू कर दिया। और इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई OV34 अपडेट्स के बाद सारा चेंज होने वाला, और जितने भी सारे पैड आइटम्स है सभी चीजें आप सभी को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ आप सभी को समुराई बंडल भी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसके कन्फर्म डेट के बारे में, तो भाई अभी तो इसका कन्फर्म डेट निकल के नहीं आया, बट इसका जो पॉसिबल डेट है वो निकल के आ चुका है, और आप सभी को 100% कन्फर्म आप सभी को जून मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी को ईवो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला, क्योंकि भाई ईवो परफॉर्मेंस हम सभी को पहले देखने को मिलेगा,
जाएगा। इसके बाद हमसे को समुराई बंडल देखने को मिलने वाला है और समुराई बंडल आपसे को वेब इवेंट में देखने को मिल जाएगा जिसमें अच्छा खासा डायमंड लग जाता है। अगर आप लोग इसको निकालना चाहते तो इसमें आपसे को मैक्सिमम 1000 डायमंड लगने वाला है और इससे भाई ज्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी। सो गाइस आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करते हुए जो ना बाजू में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको ऑल पे जोर से सेट करना जिससे मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।